हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग इस स्पेसिएशन के सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेजुअल स्पेसिएशन में बी फ्लोइंग टाइप्स। जो ग्रेजुअल स्पेसिएशन है वो फोर टाइप के होते हैं। पहला होता है वो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, फिर है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, फिर एलो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन और फिर है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो पहला हम लोग देखते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एक स्पीसीज की फिजिकली रूप से अलग अलग पॉपुलेशन का डिवर्जेंस यानी कि विचलन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज पर कब्जा करके न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाती है। इसे जियोग्राफिकल आइसोलेशन द्वारा स्पेसिएशन कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ग्रीक के टू वर्ड से बना है। एलोस यानी होता है अदर और पैट्रिक यानी होता है फादरलैंड यानी कि पितृभूमि। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को जियोग्राफिक स्पेसिएशन, विकेरियन स्पेसिएशन एंड पूर्व नाम डंबल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मेथड ऑफ फिजिकल आइसोलेशन, पहला देखते हैं बाय फिजिकल स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट बाय सम न्यू स्पीसीज बैरियर्स। लार्ज स्पीसीज के मैनी पॉपुलेशन हैबिटेट में स्प्लिटिंग, अलग अलग हैबिटेट बन जाना होता है न्यू फिजिकल बैरियर्स के द्वारा होता है। उन बैरियर को विकेरेंस कहा जाता है। विकेरेंस फिजिकल बैरियर वोल्केनिस अर्थक्वेक्स भूकंप स्टोर्म यानी तूफान टाइटल वेव क्या होता है? पानी के बहाव से भी एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पांचवा है फ्लूड फॉर्मेशन यानी बाढ़। छठवा है डिस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन एंड फॉरेस्ट, किसी माउंटेन या फॉरेस्ट का विनाश। सातवा है अपीयरेंस ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी का बनना। इन फिजिकल बैरियर्स के कारण पॉपुलेशन दो भागों में डिवाइड हो जाती है और उन दोनों भाग में पाई जाने वाली पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज का निर्माण करती है, उसे ही एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल है स्पेसिएशन इन वार्बर्स, इसे नॉर्थर्न वुड वार्बलर्स भी कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस वार्बलर्स में फोर स्पीसीज बनती है, जिनमें से एक एस्टर्न स्पीसीज, एस वेस्टर्न स्पीसीज, थ्री वेस्टर्न स्पीसीज होती है। फोर स्पीसीज इसलिए बनती है क्योंकि उस एरिया के अंदर चार बार ग्लेशियर आ गई थी, जिससे एक बार एस्टर्न स्पीसीज एंड तीन बार वेस्टर्न स्पीसीज बनी। यहाँ पर विकेरेंस का वर्क ग्लेशियर कर रहा है। सेकेंड देखते हैं फाउनर इफेक्ट। किसी लार्ज पॉपुलेशन में किसी स्पेसिएशन डाइवर्जेंस होना, सम स्पीसीज यानी वहाँ से हटकर अलग होना और एक न्यू एरिया में पहुँच जाना, यहाँ भी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का कारण है। इसे फाउंडर इफेक्ट भी कहा जाता है। जो फाउंडर इफेक्ट है, अगर आप लोगों को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले वीडियो में भी जाकर फाउंडर इफेक्ट को देख सकते हैं। तो मेरे ही चैनल पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का वीडियो मैं अपलोड की हूँ, उसमें मैंने फाउंडर इफेक्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से बताया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर फाउंडर इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले वीडियो में जाकर उसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर देखते हैं एग्जाम्पल। डार्विन फ्रेंचेस यह अमेरिका में पाए जाने वाला बर्ड की स्पीसीज है, जो कि गैलापागोस आइसलैंड में पाए जाते थे। इन्होंने इस आइसलैंड में अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया था। जब सी का फैलाव हुआ तो आइसलैंड भी अलग हो गया और उस आइसलैंड के अंदर कुछ स्पीसीज फ्रेंचेस रह गई, जो कि फाउंडर पॉपुलेशन होता है। ये फाउंडर पॉपुलेशन अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को अडेप्टेड करने लगी। इनमें जेनेटिक डाइवर्जेंस होगा, उनमें अलग अलग फीचर का डेवलपमेंट होगा और एक अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार एक मेन डार्विन फिंचेस से अलग अलग 30 टाइप के फिंचेस बनी, जिसमें सेप साइज एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने के साथ साथ उनकी चोंच भी अलग अलग थी।
ये बड़े सेड स्मॉल सेड या इंसेक्ट को पकड़ने के लिए अलग अलग चोंच भी की आवश्यकता पड़ी, इस कारण 30 टाइप के चोंच बन गए। इस एग्जांपल में फाउंडर मेंबर डार्विन फ्रेंचेस है जिसे 30 टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, इसे डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान नोट किया था। तीसरा देखते हैं डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन के स्पीसीज में किसी सब स्पीसीज का डिसअपीयरेंस या लुप्त हो जाना और डिसअपीयरेंस हुए पॉपुलेशन का जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, तो ये आगे चलकर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, फिर जियोग्राफिकल बैरियर है, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है और बाद में दो अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इसे स्पेसिएशन बोलते हैं। यह एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का डायग्राम है। फिर देखते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पैरा में यानी होता है नियर। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन रेयर होती है। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं होता है जीन फ्लो को रोकने के लिए। इसमें पॉपुलेशन कंटिन्यूस होती है, इस कारण जीन फ्लो भी कंटिन्यूस होती है। इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनके बीच रैंडम मैटिंग नहीं होती है। इनमें जो इंडिविजुअल अपने निबेयर्स के साथ मैटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल पैरापैट्रिक स्पेसिएशन इन ग्रीन बुल बर्ड लिटिल ग्रीन बुल कैमरॉन वेस्ट अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहता है तथा पड़ोसी घास के मैदान में भी रहता है। वह एरिया जहाँ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड मिलते हैं इकोटोन कहलाता है। इन दोनों आवास में रहने वाले बर्ड अपने बीक लेग बॉडी साइज बॉडी वेट में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इकोटोन का ग्रीन बुल अभी भी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के साथ मिल सकता है, बट जीन पूल में लाए गए चेंजेस दो स्पीसीज के बीच जीन फ्लो से अधिक है। उनके जीन पूल में विचलन उनके बीच जीन प्रवाह के प्रभाव को कम कर देता है और प्रत्येक आबादी एक नई प्रजाति बन जाती है। यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन, फिर है डाइवर्जेंस अक्रॉस अ क्लाइन, फिर हाइब्रिड जोन, फिर स्पेसिएशन। ये पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का डायग्राम है। फिर है सिमपैट्रिक स्पेसिएशन। सिमपैट्रिक स्पेसिएशन का तात्पर्य एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाली इंटेंटली रेंडमली मैटिंग पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के में कुछ बायोलॉजिकल बैरियर की उपस्थिति के कारण न्यू स्पीसीज के उत्पत्ति से है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिमपैट्रिक स्पेसिएशन। सिमपैट्रिक स्पेसिएशन सेम जियोग्राफिक एरिया में होता है। इसमें पॉपुलेशन किसी भी प्रकार के फिजिकल बैरियर से सेपरेटेड नहीं होते हैं। जीन फ्लो को रोकने के लिए फिजिकल बैरियर नहीं होता जिस प्रकार एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में होता है। इसमें पॉपुलेशन के मेंबर के बीच बायोलॉजिकल बैरियर पाया जाता है जिसके कारण न्यू स्पीसीज बनता है। इसका एग्जांपल है इंसेक्ट रेगुलेटिस पोमो नीला एप्पल मैंगोट फ्लाई। अमेरिका के प्रारंभ में एप्पल मैंगोट फ्लाई अवर्थन फ्रूट नागफनी फल पर अपना एग प्रोड्यूस करती थी। 19वीं सेंचुरी में मैंगोल फ्लाई का न्यू रूप सामने आया जो एप्पल पर भी अपना एग प्रोड्यूस करती थी। इस प्रकार से इस इंसेक्ट के दो अलग अलग ग्रुप पाए जाते थे जिसमें से एक ग्रुप एप्पल पर अपने एग देते थे तथा दूसरा अवर्थन फ्रूट पर एग देते थे। क्योंकि दोनों फ्रूट अलग अलग से मौसम में होते हैं जिसके कारण इस फ्लाई का एग देने का टाइम भी अलग अलग होता है एंड इन एग का मैच्योरिंग टाइम भी डिफरेंट होता है जिसके कारण वे आपस में मैटिंग नहीं कर पाते और इस प्रकार दोनों में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है और वे दोनों एक एक न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन है और यहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। ये सिमपैट्रिक स्पेसिएशन है। यहाँ पे विथ इन पॉपुलेशन में आ जाता है, फिर न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज आफ्टर इक्वेलिब्रेशन ऑफ न्यू रेंजेस। यह है सिमपैट्रिक स्पेसिएशन का डायग्राम। चौथा है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि स्पेसिएशन का अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज।
किसी भी पेरेंटल स्पीसीज में इतना अधिक चेंजेस हो जाना कि वह न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्पीसीएशन में नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो है को रखा गया है। स्पीसीएशन के टाइप में एलोपैट्रिक स्पीसीएशन, सिंपैट्रिक स्पीसीएशन एंड पैरापैट्रिक स्पीसीएशन का स्टडी किया गया है। स्पीसीएशन के दो तरीके होते हैं, पहला होता है एनाजेनेसिस और दूसरा होता है क्लैडोजेनेसिस। रिफरेंस है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय फ्यूचियोमा, पॉपुलेशन जेनेटिक बाय हार्ट और इवोल्यूशन जेनेटिक बाय मेरिल, इवोल्यूशन बायोलॉजी बाय स्मिथ और बाइनेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।